सच साहस सरोकार। गुजरात में पहले फेज की 89 सीटों पर वोटिंग शुरू। कांग्रेस विधायक सिलेंडर लेकर वोट डालने निकले। दिल्ली से तेलंगाना पहुंचे घोटाले की जांच। ईडी की रिमांड रिपोर्ट में केसीआर की बेटी कविता का नाम आया सामने। आईएसआईएस का सरगना अबू हसन मारा गया। 9 महीने पहले बना था संगठन का लीडर। हार का जश्न मना रहे ईरानी को गोली मारी। दावा सुरक्षा बलों ने माथे पर शूट किया। अमेरिका ने 1-0 से हराया था। उर्वशी रतौला के बॉस पार्टी गाने के ने मचाया धमाल। सिर्फ 7 दिनों में हासिल किया 2 करोड़ व्यूज। श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का। कुशीनगर में निकाय चुनाव में हाटा नगरपालिका अध्यक्ष पद के प्रमुख दावेदार अभय राय ने भारी जनसमूह और अपने कार्यकर्ताओं के साथ रैली निकाली, जिसमें उन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिला। जानकारी के मुताबिक इस कार्यक्रम में विधायक मोहन वर्मा, सांसद विजय दुबे और सभी भाजपा के कार्यकर्ता शामिल हुए। बता दें, जन यात्रा गोरखपुर चौराहा, बाघनाथ तिराहा, मेन मार्केट होते हुए उनके पार्टी कार्यालय पर सम्पन्न हुई। और बूथ जीतो अभियान का संकल्प लेने का काम पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। हम सब ने माननीय प्रभारी जी के नेतृत्व में, विधायक जी के नेतृत्व में, माननीय सांसद जी के नेतृत्व में आज भारी भरकम भीड़ सड़क पे उतरी। ये कोई किराए वाली भीड़ नहीं, ये पार्टी के कार्यकर्ताओं का उल्लास है। और पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश और खरोश दिख रहा है, उससे हाटा नगर पालिका का पिक्चर साफ है। हम सिर्फ नगर पालिका की अध्यक्ष ही नहीं, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में, हर टाउन एरिया में अपने संगठन को मजबूत और प्रभावी बनाने की दिशा में, इससे पहले भी तमाम बैठकों का आयोजन पार्टी इस नगर पालिका में करती रही। और मैं यहाँ का प्रभारी रहा हूँ, कई कार्यक्रमों में मुझे आने का अवसर था। उसमें पार्टी ने निर्धारित किया है कि हमें बूथ विजय अभियान हर नगर पालिका में, हर वार्ड में, हर टाउन एरिया में चलाना। उसी परिप्रेक्ष्य में यहाँ आज बूथ विजय अभियान संपर्क था, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने गोंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कर्नलगंज में रिश्वतखोरी का मामला सामने आया है। जानकारी के मुताबिक अस्पताल में जो भी मरीज दवा लेने आते हैं, तो उन्हें डॉक्टरों की तरफ से बाहर की दवा लिखी जाती है और दवा उनके मन मुताबिक मेडिकल स्टोर पर ही उपलब्ध होती है, जहां मरीजों से दवा के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है। रायबरेली में यातायात सुरक्षा माह के समापन किया गया। इस दौरान जिला अधिकारी माला श्रीवास्तव, पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक विश्वजीत श्रीवास्तव ने हरी झंडी दिखाकर ट्रैफिक यातायात प्रभारी अमरेश त्रिपाठी की अगुवाई में आम जनमानस को यातायात के नियमों के साथ हेलमेट लगाकर चलने के लिए जागरूक किया। इसके साथ ही प्रशासन को सहयोग करने की अपील करते हुए दुर्घटना से बचाव के तरीके समझाए। बात ही माह नवंबर में यातायात माह मनाया जाता है, आप लोग सभी जानते हैं इस बात को। और प्रत्येक माह यातायात को जागरूक करने के लिए
यातायात नियमों को जागरूक करने के लिए तमाम तरीके के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें स्कूलों में हमारे ट्रैफिक के सिपाही और सब इंस्पेक्टर द्वारा व्याख्यान दिए जाते हैं, उनको वहाँ जागरूक का प्रयास किया जाता है। इसके विभिन्न तरीके की रैलियाँ निकाली जाती हैं, पोस्टर तमाम तरह के जो है वो उनको बनाया जाता है। इस तरह के विभिन्न तरीके के कार्यक्रम करके माह भर जो है हम लोग ट्रैफिक जागरूकता का काम करते हैं। गाजियाबाद के पहले पुलिस कमिश्नर अजय कुमार मिश्रा ने अपना कार्यभार संभाल लिया। वो रात 2 बजे ही गाजियाबाद पहुंचे। पुलिस कमिश्नर फिलहाल एसएसपी ऑफिस में ही बैठेंगे। वहीं कमिश्नर अजय मिश्रा ने मीडिया कर्मियों के साथ बैठक में उन्होंने कहा कि मीडिया कर्मियों से कहा कि गाजियाबाद को क्राइम मुक्त करने की उनकी पहली प्राथमिकता है। इसके साथ ही कमिश्नर आज रात के वे पुलिस महकमे के राजपत्रित अधिकारियों की पहली बैठक ले सकते हैं। जो क्राइम है, चूंकि इसमें हमारे गाजियाबाद शहर एक ऐसा शहर है जहां फ्लोटिंग पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, जिस भी शहर में फ्लोटिंग पॉपुलेशन ज्यादा होती है वहां इस तरीके के अपराध होने की गुंजाइश भी हमेशा ज्यादा होती है, और इसको रोकने का जो सबसे इफेक्टिव तरीका होता है वो हमारी पेट्रोलिंग होती है कि ऐसे समय में जो लीव पीरियड है या जिस समय लोग घर छोड़ के बाहर काम करने के लिए गए हुए हैं या रात को सो रहे हैं, उपलब्ध नहीं है घरों पे, उस समय हम पेट्रोलिंग कितनी बढ़ा सकते हैं। पेट्रोलिंग एक मेजर्स होता है, दूसरा सीसीटीवी की कवरेज होता है, तीसरा पर्याप्त लाइटिंग होती है कि अंधेरा नहीं है सड़कों पर, गलियों में अंधेरा नहीं है या मोहल्लों में अंधेरा नहीं है, तो एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। कुशीनगर में पटहरवा थाना क्षेत्र के मतलू छापर के पास पुलिस और अंतरप्रांतीय बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान 4 बदमाश घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक गाड़ी, 4 तमंचा, 1 पिस्टल, 1 ऑक्सीजन सिलेंडर बरामद किया। बता दें, बदमाशों ने एटीएम मशीन काट कर लाखों की चोरी की थी। बुलंदशहर में सियाना कोतवाली क्षेत्र गांव भर्रा मार के पास डकैती की घटना से वांछित चल रहे बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। बता दें, पुलिस ने दोनों बदमाशों के पास से मधुमक्खी के 183 डिब्बे व 2 मोबाइल, 1 साथ मोटरसाइकिल बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक दोनों बदमाशों पर कई डकैती लूट के मुकदमे दर्ज हैं। ये खुर्जा नगर में चेकिंग के दौरान थाना खुर्जा नगर की पुलिस लगी हुई थी, जिसमें उनको एक बाइक पर 2 संदिग्ध लड़के दिखाई दिए। उनके द्वारा उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु वे नहीं रुके और खुर्जा से होते हुए फिर बुलंदशहर और सियाना रोड पर आ गए। यहाँ से तब तक सियाना पुलिस को भी खबर लग चुकी थी, वो भी चेकिंग के लिए निकल गई थी। बीच में यह भर्रा रोड पड़ती है चिंगरावटी चौकी के पास। ये लड़के उसी बाइक सवार दोनों संदिग्ध व्यक्ति भर्रा रोड पर मुड़ गए। वहाँ पर इन्हें रोकने का प्रयास किया गया, परंतु इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें जवाबी फायर में पुलिस ने भी इन पर फायर किया और इनके पैर में गोली लगी है। जो दोनों अभियुक्त हैं, दोनों के पैर में गोली लगी है। इन्हें भी चिकित्सा परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। रायबरेली में महराजगंज कोतवाली क्षेत्र में आमने सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिल की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 लोग घायल हो गए। आनन फानन में कोतवाली पुलिस ने एम्बुलेंस से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां पर प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने तीनों लोगों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया। तीन लोग, उसका एक्सीडेंट हुआ है और ये एक्सीडेंट हुआ है कोतवाली के सामने। क्या नाम है पेशेंट? ये तीनों पेशेंट का नाम है संदीप कुमार 25 मेल, राहुल सिंह 26 मेल, शीतला शरण विश्वकर्मा 45 मेल। रेफर भी हैं क्या सर कोई? हाँ, इसमें से 2 रेफर हैं, है ना? कौन दोनों को? संदीप कुमार और शीतला शरण विश्वकर्मा, ये दोनों रेफर हैं। अलीगढ़ में जिला कारागार की सुरक्षा व संवेदनशीलता पर उस वक्त सवाल खड़े होने लगे जब फेसबुक पर एक कैदी ने जिला कारागार के भीतर बंद चल रहे संदीप हत्याकांड के आरोपियों के साथ फोटो अपलोड कर वायरल की गई। जेल में बंद चल रहे आरोपियों के
फोटो सोशल प्लेटफॉर्म पर वायरल होने के बाद जेल से लेकर जिला प्रशासन तक हड़कंप मच गया। इस घटना में जेल सुपरिटेंडेंट विजेंद्र सिंह यादव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि जांच में सामने आया है कि बीते दिनों भाई दूज के त्योहार पर यह फोटो क्लिक की गई थी, जो कि जेल प्रशासन का सरकारी कैमरा खराब होने की स्थिति में क्षेत्रीय एक प्राइवेट फोटोग्राफर को बुलाया गया था। हाल ही में जेल ने निरुद्ध मयंक सैनी नामक युवक को जेल से रिहा हुआ और उसने 40 रुपए प्रति फोटो के हिसाब से संबंधित फोटोग्राफर से फोटो खरीदे और फेसबुक पर अपलोड कर दिए। रायबरेली में एरिया थाना क्षेत्र में अपर पुलिस अधीक्षक और थाना अध्यक्ष के साथ उनकी पूरी टीम ने एक अभियान के तहत कार्रवाई करते हुए विवाहिता के हत्यारोपी प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं पर अपर पुलिस अधीक्षक ने मामले का खुलासा करते हुए कहा कि आरोपी मृतका को हर महीने 10,000 रुपए देता था और 2 महीने से रुपए ना देने पर महिला ने रेप के मुकदमे में फंसाने की धमकी दी थी, तभी आरोपी ने ये सख्त कदम उठाया। थाना मिलेरिया क्षेत्र में प्रमोद साहू नाम के एक व्यक्ति ने ये थाने पर एक तहरीर दी, जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी पत्नी जिनका नाम नीतू साहू है, उनको राजेश साहू नाम का एक व्यक्ति लेकर चला गया है और उनको पूरा विश्वास था कि वो निश्चित रूप से उनको या तो मार देगा या उसके साथ कोई गलत काम करेगा। इस संबंध में तत्काल इंस्पेक्टर मिलेरिया ने अपने यहाँ अभियोग पंजीकृत किया। इसी दौरान इसकी जब खोजबीन और छानबीन शुरू हुई, तभी मधोकर थाना क्षेत्र से ये खबर आई कि एक महिला की लाश यहाँ पर भाव पुलिया के पास है। उस पर तुरंत इंस्पेक्टर भदोकर और सी ओ सिटी मौके पर पहुँची और वहाँ पर उन्होंने फोरेंसिक टीम को भी बुलाया और जो उसकी फ़ोटोग्राफ से जब पहचान की गई तो पता चला कि जो मलेरिया में जिसका मुकदमा लिखा है जिस महिला के लिए, ये लाश उसी की है। रायबरेली के सुभाष नगर थाना कोतवाली नगर में संदिग्ध परिस्थितियों में घर में के अंदर अधिवक्ता का शव मिला है। बता दें, फांसी लगाने से अधिवक्ता की दर्दनाक मौत हुई है। इस हादसे के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम में भेजते हुए मामले की जांच पड़ताल कर रही है। प्राप्त हुई कि पुष्पेंद्र सिंह पुत्र शिवकरण, जो मूल रूप से लालगंज के निवासी, वर्तमान समय में सुभाष नगर कोतवाली में रहते हैं, उनके द्वारा आत्महत्या कर ली गई है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक कोतवाली के द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और फौरी सूचना प्राप्त कर अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। इस प्रकरण में यह तथ्य भी प्रकाश में आया है कि जो पुष्पेंद्र थे वह हमीरपुर में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले चल रहे अनिश्चितकालीन हड़ताल में समस्त जिले के विद्युत कार्यालयों में अधिकारी व कर्मचारी कार्य बहिष्कार में बैठे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक 15 सूत्री मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में अधिकारियों व कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे विद्युत उपभोक्ताओं किसानों को खासी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। मामला यह है कि 15 सूत्री मांगों को लेकर के प्रदेश सरकार ऊर्जा प्रबंधन को विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के द्वारा एक नोटिस देकर के अवगत कराया था कि हमारी जो जायज मांगे हैं, जो सरकार और ऊर्जा प्रबंधन जो है हठधर्मिता अपनाए हुए है, उसको छोड़े और हमारे साथ समझौता करें। अम्बेडकर नगर में बेवाना थाने की पुलिस ने एक दलित युवक को बेरहमी से पीटा, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। आनन फानन में परिजन उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां पर डॉक्टरों ने युवक को मृत घोषित कर दिया। इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि पीटने वाले पुलिसकर्मी पर क्या कार्रवाई होती है। वहां गांव में झगड़ा हुआ था इसके बाद वहाँ दौड़ा रही हुआ था, फिर फोन किए पुलिस के पास, वो लोग जो झगड़ा हुआ था, हम जानते नहीं किसके किसके से हुआ था, जो पुलिस आया इसके बाद हमारे घर, हमारे दो जगह घर है, तो हमारे आदमी और हमारा भाई
बाइक से गया था टट्टी करने, टट्टी करके आया तो हमारा आदमी बोला कि नहीं तुम खड़े रहो, हम गाड़ी खड़ा करके अंदर से आ रहे हैं। तो वहाँ से चालू हुआ, इसके बाद पुलिस आया तुरंत मार दिया। औरैया में पूर्वा सुजान के पास पुलिस और शातिर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें दो बदमाश गोली लगने से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक बदमाशों ने शिवपुरी मध्य प्रदेश में मूंगफली लदा ट्रक को लूटा था, जिसकी शिकायत पुलिस को मिली थी और पुलिस की तरफ से कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल पुलिस ने घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। औरैया से विधुना थाना क्षेत्र के गांव नगला निरंजन रठगवा में एक मामला सामने आया है, जहां एक दुल्हन अपने दूल्हे का इंतजार करती रह गई और दूल्हे को उसकी गर्लफ्रेंड ने थाने पहुंचा दिया। जानकारी के मुताबिक दूल्हे का किसी और लड़की से प्रेम संबंध था, जिसकी वजह से शादी टूट गई। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। थाना बिधुना क्षेत्र के नगला निरंजन गांव के एक सुरेशन पाल है, उनकी बेटी की शादी कन्नौज से तय हुई थी, कल उसमें बारात आनी थी। इसी दौरान शादी की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई थी, लेकिन लड़के का कोई पुराना प्रेम प्रसंग उनके वर पक्ष वधु पक्ष के संज्ञान में आ जाने पर शादी संपन्न नहीं हो सकी। दोनों पक्ष थाने में है और इसमें जो तहरीर मिलने पर जो भी सही, क्या नाम है, 26 तारीख को मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे और 27 तारीख को तिलक जाने वाला था, तो इसके पापा के ख़त्म हो जाने के कारण तिलक नहीं हुआ। 29 तारीख को हमारे यहाँ बारात आने वाली थी, और क्या लड़के ने कई और से संबंध बना रखे थे, तो उनके यहाँ ये मैटर चल रहा था, इसीलिए फिर बारात यहाँ लेट आने के कारण हमारे भाई वहाँ गए क्या हो रहा है, तो फिर बारात हाँ वो उनका मैटर थाने में चल रहा था, उसके बाद में वो लोग यहाँ आए नहीं। और बारात कहाँ से आने वाली थी? वो भागलपुर थाने में, वहीं अच्छा थाने में बैठे थे, तब थाने में जब बैठे थे तब वहीं यहाँ से हम लोग गए तो वहाँ लड़का को छुटा के लाए। अच्छा, फिर वहाँ फैसला हुआ होगा, फैसला होके उसके बाद में उन्हें ये बोला कि वहाँ जाके ये है कि वहाँ जाके ऐसे पैसा ऐसा दिया गया, तो वहाँ से ढीला गया लड़का यहाँ आया, यहाँ पैसन का अपना बोला जो मेरा खर्चा हुआ वो मेरा खर्चा दे दो, इसके बाद में जो ये जो लगा है वो दे दो, अपनी हमारे तुम्हारी राम राम। तो आप लोगों ने शादी से मना कर दिया? शादी की बिटिया ने मना कर दिया था, मैं शादी ऐसी नहीं। भैया वो दूसरी लड़की से लगा था, तो उसके मतलब वो लड़की उधर आ गई, इधर मत भरा सजी, और वो लड़की उधर आ गई। किसके यहाँ? वो लड़के वाले के यहाँ। फिर लड़के वहाँ हमें को तो ये पता लगा है वो थाने में लड़की आ गई, फिर उसने बारात रोक ली, इसलिए बारात यहाँ पर हमारे यहाँ नहीं आई। और जब बारात नहीं आई है, अब दूसरी लड़की के साथ वो संबंध करे है, अब हम पहले लड़की कैसे करे ये बताओ। उत्तर प्रदेश की खबरों में इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बात